नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ मनीषा इंसान जी हैं, जो 10 सालों से डेरा सच्चा सौदा संस्था को जानते हैं। आज भी वो डेरा सच्चा सौदा संस्था में आई हुई हैं। इनसे बातचीत करते हैं, इनको कैसा महसूस होता है। मनीषा जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैम, 10 सालों से आ रही हैं आप यहाँ पर, कैसा महसूस करती हैं आप? हमें बहुत अच्छा फील होता है। ऐसा तो हमें कहीं भी जाकर मतलब कि ग्रीन गर्ल सुरक्षित महसूस करते हैं। सुरक्षित, कभी भी ऐसा लगा हो जैसा मीडिया में दिखाया जा रहा था? ऐसा हमें कहीं बाहर जाकर इतना अच्छा नहीं लगता कि जितना हम यहाँ सुरक्षित फील करते हैं। मैम, संत जी का स्वभाव कैसा लगता है, नेचर कैसा लगता है? बहुत अच्छा उनका, मतलब हर एक लड़की को वो अपनी बेटी समझते हैं। उन्होंने कितनी बेटियों को अपनी मतलब बेटियाँ बनाया हुआ है, शाही बेटियाँ बसेरा उन्होंने अपना मतलब उनको सारी उनको फैसिलिटी देते हैं, स्कूल प्रोवाइड कर रखे हैं। मैम, जो आरोप लगाए जा रहे हैं संत जी के ऊपर, उसके बारे में क्या लगता है? ये सब झूठ है। ऐसा तो मतलब वो उन्होंने ऐसा वो कर ही नहीं सकते जो इतना मतलब लोगों ने आरोप लगाए हैं, बिल्कुल गलत है। कभी भी ऐसा नहीं लगा? मैम, फिर असली सच क्या है, संत जी ने क्या किया है समाज के लिए, लोगों के लिए? इतने उन्होंने इतने मानवता भलाई के कार्य किए, ये बहुत उन्होंने जरूरत है। मैम, आज संत जी के साथ क्या अपील करना चाहोगे सरकार से? यही अपील करना चाहेंगे कि उन्हें जल्दी से जल्दी बाहर लेकर आए। मैम, जो आप बोल रहे अपनी मर्जी से बोल रहे हो, या कोई आपके ऊपर प्रेशर है, या कोई आपको धक्का किया गया, या पैसे दिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, अपनी मर्जी से कह रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं पब्लिक के साथ बातचीत। पब्लिक को यही लगता है कि जो आरोप संत डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह चिंसा के ऊपर लगाए जा रहे हैं तमाम झूठे हैं। आप भी सोचिएगा आपकी क्या राय है, जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट टाइम।